नमस्कार साथियों, मैं ईशु प्रजापत और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूं और आप सभी को जानकारी दे दें। पति पत्नी के बीच चल रहे घरेलू कलेश के चलते पति ने शनिवार रात को जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी देर रात इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, वह शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों के बयान पर पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मृतक की पहचान वंश निवासी नवाब कॉलोनी थाना गांधीनगर के अंतर्गत के रूप में हुई है। मृतक की मां कमलेश ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसके बेटे की शादी राधा से 2 वर्ष पहले हुई थी। दोनों ही मूल रूप से जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले है। वंश राजमिस्त्री का काम करता था और पति पत्नी में अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हुआ करता था और पत्नी राधा अपने मायके रह रही थी और कल ही उसने यहां पर आकर महिला सेल में अपने पति के खिलाफ एक झूठी शिकायत दर्ज करवाई। इन्हीं सब परेशानियों के चलते वंश ने रात को 10 बजे के करीब कोई जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। यहां देर रात 2 बजे के करीब इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और वहीं आप सभी से अपील करूंगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें अपना सुझाव जरूर दें। गांधीनगर पुलिस थाने के जांच अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों के बयान के आधार पर मृतक की पत्नी राधा के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मेरी आप सभी से यही अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सर, क्या मामला सर? ये वंश सनो सुलेंद्र है, गांव कलसी थाना तीतरो जिला सहारनपुर से। ये करीब 6 महीने से अपना नवाब कॉलोनी में किराए पे रहता था अपनी पत्नी राधा के साथ, जो इसकी पत्नी के साथ अनबन रहती थी और आपस में इनके विचार नहीं मिलते थे, जिस कारण इनके घर में आपस में झगड़ा रहता था। जो दिनांक 4 तारीख को भी इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ, तो उस संबंध में राधा ने कल महिला थाने में एक दरखास्त दे दी थी वंश के खिलाफ, लेकिन अपने पति के खिलाफ लेकिन राधा के वारसान ना आने के कारण उन्होंने आज का समय दे दिया था दोनों पक्षों को। तो इस बात से रात करीब 10 बजे वंश ने अपने घर पे जाके कोई जहरीला पदार्थ खा लिया और दौरान इलाज इसकी जेपी अस्पताल में आज सुबह 2 बजे करीब इसकी मृत्यु हो गई है। सर, इसकी उम्र कितनी है? वंश की उम्र करीब 25-26 साल। कितने बच्चे हैं सर इसके? अभी कोई बच्चा नहीं है इसके पास। काम क्या करता था? ये मेहनत मजदूरी मिस्त्री का काम करता था ये। आपको सूचना कब मिली सर? हमें रात ही सूचना मिली थी, हम तभी रात को ही मौके पर चले गए थे। जो डॉक्टर साहब से हमने इसके बारे में राय भी ली थी, उन्होंने उस टाइम इसको अनफिट दे दिया था, लेकिन आज सुबह फिर इसकी दोबारा सूचना प्राप्त हुई कि इसकी मृत्यु हो गई है। तो हमने इस पर जो इनके मदर के बयान पे मुकदमा दर्ज कर दिया है और मुकदमा नंबर 338 अंडर सेक्शन 306 IPC थाना गांधीनगर में रजिस्टर कर दिया। कोई सुसाइड नोट वगैरह? नहीं, अभी इसका कुछ नहीं मिला। तो मुकदमा किसके खिलाफ किया गया? ये उसकी पत्नी के खिलाफ किया गया, पत्नी के खिलाफ, राधा के। हाँ, जो उसने राधा से तंग हो गई अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। किसी को इसका इससे पहले कोई बयान दिया उसने? किसने? नहीं, वो ये बात बस अपनी माँ को बताता था, भाई माँ ये मेरे को ऐसे तंग करती है, परेशान करती है। तो उसी बातों के आधार पे इसकी माँ के बयान पे ये FIR दर्ज कर दी है। तो सर, पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया इसकी? नहीं, अभी नहीं किया, वो अपने UP मायके में गई हुई है। तो जैसे ये इसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो भी अगला। सर, एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि जब इसने ये एप्लीकेशन दी थी पत्नी के खिलाफ, उस वक्त पत्नी कहाँ थी? जब इसने एप्लीकेशन दी थी? नहीं, इसने नहीं दी थी, इसकी पत्नी ने इसके खिलाफ दी थी। इसके खिलाफ पत्नी ने दी थी? हाँ। अच्छा, हाँ। तो यहाँ देखे गई थी उसके बाद? नहीं, वो महिला थाने में देखी थी दरखास्त, लेकिन महिला थाने में उसके लड़की के परिजन आए नहीं थे और इनको शाम को 6:30-7 बजे वहाँ से फारिग कर दिया था। जो रात को उसके माँ जो आई थी वो पंजाब से आई थी, उसके वारसन वो 1 बजे रात उसको लेके चले गए थे। क्या नाम है सर पत्नी का? राधा। राधा जी। तो वो एप्लीकेशन दे करके इसके खिलाफ अपने घर वापस चली गई थी? हाँ, वो रात वापस चली गई थी। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जी। थैंक यू सर।